Say something to my fan. I think it's a bit egotistical to call me a fan. Subscribers is the word, isn't it? Yeah, say something to my subscribers. Hello, subscribers. Have you heard of any other tech tip place? It's probably better. Here's Judas. Okay, James. James, say something to my fans because I can't catch you on Monday. You can't catch me on Monday. Hang on, wait, before we do this, what are your fans? What? This is a design channel and my fans are my subscribers. Hi, fans. I've been put on the spot a little bit here, hence why I'm so red. And everyone else is interrupting, so enjoy your weekend. Hello, Doors fans. How are you guys doing? What do you want to say to people in Pakistan? I want to say you guys are the best cricket team. That has invested me in the game. That is so sweet. Thank you, Dipna. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल. माय नेम इज वसैयद एंड आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर. आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप लोग की रिक्वेस्ट पर है, विच इज फोटो मैनिपुलेशन विद लेयर्स. और फोटो मैनिपुलेशन की एक सिंपल डेफिनेशन है कि दो या तीन से ज्यादा इमेजेस को अगर आप कंबाइन करें और उसमें से कुछ चीजें सब्ट्रैक्ट और ऐड करें, इसको कहते हैं फोटो मैनिपुलेशन. आप मैनिपुलेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर फोटो को इन अ फॉर्म ऑफ आर्ट वर्क एंड वट एवर यू आर थिंकिंग रिलेटेड टू दैट. फोटो मैनिपुलेशन में आप अनरियलिस्टिक वर्ल्ड को ला सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फॉक्स है, दैट फॉक्स इज ब्लू, यू नो, दीज सॉर्ट ऑफ अनरियलिस्टिक आइडियाज यू कैन कंबाइन इन अ फॉर्म ऑफ अ फोटो मैनिपुलेशन इन फोटोशॉप. लेट्स सी हाउ वी गोना स्टार्ट दैट एंड स्टे ट्यून्ड. सबसे पहले मैं जाऊंगी unsplash.com पे और वहां पे मैं कोई ऐसी दो तीन इमेजेस सेलेक्ट करूंगी जो कि मेरे कॉन्सेप्ट से रिलेट करती हूँ. सो फॉर नाउ आई एम मेकिंग कॉन्सेप्ट आर्ट वेयर a lady is floating in a form of a waterfall or something. तो अब मैं उसी तरह की कोई इमेजेस ढूंढ रही हूँ. आई थिंक दिस इज अ गुड इमेज टू डाउनलोड. आई हैव डाउनलोडेड दिस इमेज. वेयर एज आई नीड अ वाटरफॉल, दिस इज आई थिंक गुड टू गो. देयर इज अदर वाटरफॉल इमेजेस व्हिच आई थिंक कैन वर्क बेटर. लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड एनीथिंग एल्स व्हिच मेक्स आवर इलस्ट्रेशन really unique. I think ये waterfall भी काफ़ी अच्छी है. तो हम दो तीन images download करके मैं check करूँगी कि कौन सी image बेहतर लग रही है और फिर हम उसके साथ अपने tools को utilize करेंगे. अच्छा, मैं अपने photoshop पर लेकर आ रही हूँ जो मैंने images download किए हैं. File, open, download and click which desired images I need to select. अच्छा, वो सारी इमेजेस को अलग अलग टैब्स में ओपन कर लेगा. तो आपको क्या करना है, आपको अपनी सारी इमेजेस को अपने फोटोशॉप की फाइल पे लेकर आनी है. सबसे पहले आप अपनी फाइल को सेव करेंगे. फाइल सेव एस एंड उसको जहाँ पे भी आप सेव करना चाहते हैं आप सेव कर सकते हैं. फोटो मैनिपुलेशन. अब मैं अपनी सारी इमेजेस को एक ही फाइल में लेकर आऊँगी. ये इमेजेस बैकग्राउंड में लॉक हो जाती हैं जब आप उनको डायरेक्टली ओपन करें. तो उसको आप अनलॉक कर सकते हैं डबल क्लिक एंड ओके. मूव टूल लेंगे और मूव टूल से ड्रैग एंड ड्रॉप. ये हमारे आर्टबोर्ड पे आ गई, इसको हम क्रॉस कर देंगे. सेकेंड इमेज, बैकग्राउंड को डबल क्लिक करें, ओके दबाएँ और मूव टूल से इमेज को ले जाएँ. यहाँ पर आ गई और इस फाइल को हम क्लोज कर देते हैं. नो बैकग्राउंड, डबल क्लिक ओके एंड टेक दिस इमेज ऑन योर आउटपुट एंड क्रॉस दिस. नो ठीक है, तो आपके पास तीन लेयर्स आ गई हैं. तो आपने अपनी लेयर्स को किस तरीके से स्टडी करना है, क्योंकि हमारे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया था जो जो टूल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं रिलेटेड टू यू नो डू समथिंग आर्ट वर्क. लेकिन आज जो है हम डीपली एक दो टूल्स ऐसे यूटिलाइज करेंगे विच इंक्लूड्स लासो टूल, सिलेक्शन टूल, मैजिक वन टूल. ये टूल्स हम ऐसे यूटिलाइज करेंगे कि हमारा जो आर्ट वर्क है वो बहुत रियलिस्टिक लगे. सो सबसे पहले हम अपनी लेयर्स को नाम दे देंगे ताकि हम बाद में एंड में कन्फ्यूज ना हो कि कौन सी लेयर पे क्या चीज है, कौन सी लेयर पे क्या चीज नहीं है. तो लेयर वन को मैं जो चीज मुझे सबसे नीचे चाहिए, मीन
सबसे बेस जिस चीज को मैंने बनाना है उस लेयर को मैं सबसे नीचे रखूंगी. सो मेरी जो बेस लेयर है वो सनशाइन वाली फोटो है जिसपे मुझे वो सन और वो जो उसकी रेज आ रही है वो मुझे चाहिए, लेकिन वो मुझे सबसे नीचे चाहिए क्योंकि वो बिहाइंड द सीन है. तो सन आता है, फिर पहाड़ आते हैं और फिर वाटरफॉल आती है. तो आई नीड टू एडजस्ट माई इमेजेस अकॉर्डिंग टू देयर लेयर स्टाइल. सो ये जो ये वाली इमेज है ये मुझे सबसे नीचे चाहिए, तो इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करके नीचे छोड़ती हूँ, तो फिर मेरे पास ये नीचे चली जाती है. नाउ यू कैन सी द लेयर इज नॉट विजिबल क्योंकि उसके ऊपर और चीज़ें रखी हुई हैं. इट्स लाइक जो आप विंटर्स में ड्रेसिंग करते हैं, सबसे नीचे आप क्या पहनते हैं, फिर उसके ऊपर आप क्या पहनते हैं, फिर उसके ऊपर आप क्या, लेयर बाय लेयर आप अपने आप को गर्म रखने के लिए लेयर बाय लेयर करते हैं. लेकिन जो आप सबसे ऊपर जैकेट पहनते हैं वही सबसे ज़्यादा विजिबल होती है. क्यों? क्योंकि वो ऊपर है. तो जो चीज़ आपकी सबसे नीचे है वो विजिबल नहीं होगी अनलेस और अनटिल आप उसको एक दूसरे के साथ यू नो मिक्स एंड मैच ना करें या उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी ना हो. सो करंटली हमारी लेयर्स में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ओपेक है, तो इसलिए नीचे वाली लेयर आपको नहीं नजर आएगी. तो नीचे वाली लेयर को मैं नाम दे देती हूँ बेस, ठीक है. इसको मैं वाटरफॉल और जो सबसे ऊपर है वुमेन, ठीक है. ये तीन लेयर मेरे पास बन गई हैं. सबसे पहले मैं अपनी स्टार्ट करने से पहले अपनी इमेज को अपने आर्टबोर्ड के मुताबिक स्केल अप करती हूँ. सो स्केल अप करने का क्या तरीका मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, लिंक दिया हुआ है मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर. अगर आप लोगों को फोटोशॉप का लेक्चर दोबारा से देखना है तो यू कैन सी दैट. एडिट में जाके ट्रांसफॉर्म जाएंगे और यहाँ पे स्केल, इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल टी. तो कंट्रोल टी से आप अपनी लेयर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. शिफ्ट दबाए बगैर आपने इसको स्केल अप करना है क्योंकि फोटोशॉप अब शिफ्ट दबाने के साथ प्रोपोर्शंस को आउट कर देता है. तो आपने जो भी काम करना है शिफ्ट दबाए बगैर करना है. इलस्ट्रेटर में इट्स द अदर वे राउंड, आपको शिफ्ट दबा के हर चीज़ प्रोपोर्शन है स्केल अप स्केल डाउन करनी पड़ती है. तो इसको मैं इतना स्केल अप करूँगी कि मैंने शिफ्ट नहीं दबाया, आई एम जस्ट क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग जितनी मेरे आउटपुट पे फिट आ जाए और मेरी कोई वाइट स्पेसेस बॉर्डर्स वगैरह वो वहाँ पे ना हो. अच्छा, ये तो मैंने यहाँ पे कर लिया. अच्छा, मुझे एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी जो रेज हम थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा सा और स्केल कर रही हूँ. कंट्रोल टी दबा के एंड नाउ एंटर. एंटर दबाने के बाद मैं इस लेयर को कम्प्लीटली अभी लॉक कर देती हूँ क्योंकि मुझे अभी ये लेयर नहीं चाहिए. वाटरफॉल की लेयर में आई ओपन कर रही हूँ और आई ओपन करने से मेरी लेयर विजिबल हो रही है. कंट्रोल टी अगेन हम प्रेस करेंगे और अपने इमेज को अपने आर्टबोर्ड के मुताबिक स्केल अप कर लेंगे. मुझे ये वाइट एरिया ज़्यादा चाहिए तो आई थिंक इट्स बेटर कि मैं उसको एज टू एज रखूँ. नाउ जो वुमेन की लेयर है उसको भी मैंने ऑन कर लिया है और लेयर को लाजमी सेलेक्ट करके आपने उसमें चेंजेस लेकर आनी है. अगर आपकी लेयर वाटरफॉल की सिलेक्ट है और आप वुमेन को कुछ वुमेन की लेयर में कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, बेयर दैट इन माइंड कि वो चेंजेस आपकी उसी लेयर पे होंगे जिस लेयर आपकी सिलेक्टेड है. सिलेक्टेड किस तरह से पता चलेगा, ये देखें ये हाईलाइटेड है. तो वुमेन की लेयर को आप करेंगी कंट्रोल टी और जिस तरह से भी आपको वुमेन की लेयर चाहिए आप उसको उस तरीके से स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं. तो अभी हम देखते हैं हमें अपनी लेयर को किस तरीके से एडजस्ट करना है. मुझे थोड़ी सी इसको स्केल डाउन करना है और इस तरीके से हम इसको रख लेंगे. अच्छा, फिलहाल मैं अभी वुमेन की लेयर की आई बंद कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे अपना सनशाइन चाहिए और वो मैं किस तरीके से लेकर आऊँगी. अपनी बेस की लेयर को मैं अनलॉक करूँगी. ये ताला जो बना हुआ है इस ताले को आप दोबारा क्लिक करें, अनलॉक हो जाएगा. ताले को क्लिक करें तो लॉक हो जाएगा. तो हम ताले को क्लिक करके अनलॉक कर रहे हैं और वाटरफॉल की लेयर को सेलेक्ट कर रहे हैं. अब देखें, बात समझने वाली है. हमें वाटरफॉल की लेयर का जो ये वाइट एरिया है ये हमने सब्ट्रैक करना है. तो हम इसको सब्ट्रैक किस तरीके से करेंगे, हम इस पार्ट को सेलेक्ट करेंगे
और हम इसको डिलीट कर देंगे या देखेंगे कि हमें किस तरीके से हमें ये पार्ट निकालना है अपनी इमेज से. जैसे ये पार्ट डिलीट होगा तो उसके जो पीछे वाली लेयर है वो नज़र आने लग जाएगी. ये हम किस तरीके से देख सकते हैं, जो मेरा तरीका है काम करने का वो ये है कि मैं जो ऊपर लेयर होती है उसको मैं थोड़ी सी यहाँ ओपेसिटी से थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी कम कर देती हूँ. मतलब 70% ओपेसिटी, 100% करूँगी तो मुझे पीछे वाली लेयर नज़र नहीं आएगी. अभी मुझे पीछे वाली लेयर नज़र आ रही है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि 70% मैंने ओपेसिटी को क्रीज किया है 100% से. तो मेरे लिए भी आसानी है कि मैं अब यहाँ पे ये सिलेक्शन यहाँ पे बना के और इसको यहाँ से डिलीट करके ये पीछे वाली लेयर को विजिबल कर सकती हूँ. तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे ये अपना लासो टूल, और लासो टूल को मैं अपने ये जो मेरे पहाड़ हैं इनको मैं रैंडमली भी लेके जा रही हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए. और फिर उसके बाद जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहीं पे सिलेक्शन को आपने एंड करना है. जैसे आपने एंड किया सिलेक्शन तो वो देखें ये डॉटेड लाइन बन गई है. डॉटेड लाइन का मतलब है ये एरिया सिलेक्टेड है. अच्छा, अगर आपको इस एरिया आपने सिलेक्ट किया और आपने कहा कि मुझे ये एरिया नहीं चाहिए, मुझे इसका ऑपोजिट सारा एरिया चाहिए, तो आप इन्हीं डॉटेड लेयर को सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किए हुए राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आएगी सेलेक्ट इनवर्स की. जैसे आप सेलेक्ट इनवर्स को सिलेक्ट करते हैं तो वो जो एरिया आपका सिलेक्टेड नहीं था अब वो सिलेक्ट हो गया है और जो एरिया सिलेक्टेड था वो डीसेलेक्ट हो गया है. तो अब हमें तो चाहिए वो एरिया जो कि हमने सब्ट्रैक्ट करना है, हमने डिलीट करना है. तो मैं करूंगी कंट्रोल Z ताकि मुझे वो एरिया दोबारा मिल जाए जो मैंने सिलेक्ट किया था. अच्छा, मुझे कुछ एरिया जो है यहाँ पे नहीं चाहिए और वो मैंने आपको बस दिखाने के लिए सिलेक्ट कर लिए थे. तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा से जूम इन करके अच्छी सिलेक्शन करेंगे और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. और कंट्रोल डी से हम डी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मूव टूल को भी सिलेक्ट करके एस्केप दबाएंगे तो आप सिलेक्शंस को डी सेलेक्ट कर सकते हैं. अच्छा, यहाँ पे अब आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारा जो वाइट आसमान था वाटरफॉल की लेयर में वो गायब हो गया है. और बेस की लेयर को भी मैं हाइड कर लेती हूँ और इस लेयर की ओपेसिटी को मैं फुल रख लेती हूँ. तो ये जो आपको चेक नज़र आ रहा है ना, चेक का जो पैटर्न, इट मीन दिस इज ट्रांसपेरेंट. दीज आर ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स जो कि आपने इसके ऊपर जो भी इमेज थी और जो भी आसमान था वाइट एरिया था वो आपने डिलीट कर दिया है. अगर ये चेक पैटर्न आपको नज़र नहीं आएगा तो इसका मतलब आपकी लेयर ओपेक है और उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है. अब इसके पीछे हमने जो इमेज रखी हुई है बेस, अब आपको वो नज़र आ रही है. कंट्रोल जीरो दबाएंगे, एक आपको सीन नज़र आ रहा है कि किरणें हैं और वाटरफॉल है और कुछ लोग जो हैं इंजॉय कर रहे हैं वाटरफॉल जो कि हमने यहाँ नहीं दिखाई हुई. नीचे वाली इमेज रिवील हो. तो अब हमारे पास है सबसे टॉप लेयर विच इज वुमेन. इस लेयर के जो साइज है वो काफ़ी स्केल हमने इसको छोटा रखा हुआ है तभी आपको बैकग्राउंड का सब कुछ नज़र आ रहा है. अगर मैं इस वुमेन की लेयर को कंट्रोल टी करके इतना ही बड़ा कर दूं जितना कि हमारा आर्टबोर्ड है, अब आपको बैकग्राउंड में कुछ भी नज़र नहीं आएगा जस्ट बिकॉज हमारी ये लेयर 100% ओपेक है. तो कंट्रोल जी करते हैं और इस खातून की जो एक्स्ट्रा बाउंड्री है उसको हम सेलेक्ट करते हैं और डिलीट करते हैं और देखते हैं हमारा आर्टवर्क किधर जा रहा है. Do a little bit of lightning. हम यहाँ से ये जो आपको नजर आ रहा है
tool which is called adjustment tool. आप इसको window में जाके भी adjustment की layer खोल सकते हैं. Adjustment यहाँ पे भी आप जो भी हम अभी apply करने वाले हैं ये सारे यहाँ से आप ला सकते हैं. तो let's see brightness and contrast की layer select करते हैं और यहाँ पे हम थोड़ा सा contrast add करते हैं. मैं ये क्यों एडजस्टमेंट लेयर्स लगा रही हूँ क्योंकि हमारी तीन इमेजेस डिफरेंट लाइटनिंग्स के साथ शूट हुई हैं और अगर मेरी एक इमेज की लाइट डिफरेंट क्वालिटी की है दूसरी इमेज की लाइट इमेज डिफरेंट क्वालिटी की है व्हेन आई कंबाइन देम टुगेदर दे एक्चुअली लुक गुड बट देयर लाइट्स आर नॉट मैचिंग व्हिच आई नीड दैट्स व्हाई आई नीड टू अप्लाई सम सॉर्ट ऑफ एडजस्टमेंट सो दैट इनकी जो लाइट है वो एक जैसी हो जाए. सो ये लाइट की लेयर पे आप जाएंगे और आपने अपना ब्रश जो है वो हल्का हल्का खातून के एजेस चेहरे के एजेस पे लेकर जाना है. रेडी हो चुका है. अब हम थोड़ी सी डेप्थ ऐड करते हैं. ब्रश टूल लेंगे और ब्लू कलर सेलेक्ट करेंगे. सॉफ्ट ब्रश टूल लेंगे और ब्रश के साइज थोड़ा सा बड़ा रखेंगे. वाटरफॉल्स की एरियाज में हमेशा देखा गया है कि मिस्ट काफ़ी होती है तो हम नीचे की तरफ जो है वो मिस्ट ज़्यादा रखेंगे. खातून है उनका ड्रेस जो है वाटरफॉल की शक्ल में आ रहा है और हमने ज़्यादा मतलब कुछ इसमें एफर्ट नहीं की क्योंकि ये एक बेसिक फोटो मैनिपुलेशन है जिसमें आप इमेजेस को ऊपर नीचे रखते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं रेज टूल यूज़ करते हैं. देर आर सो मेनी फोटो मैनिपुलेशन आर्ट वर्क जिसमें हम लाइक 10 इमेजेस को कम्बाइन करके एक आर्ट वर्क बनाते हैं. लेकिन देखिए आपने कितनी आसानी से अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है आपके पास आइडिया है आप उस हिसाब से इमेजेस को डाउनलोड करते हैं तो इतनी आसानी से आपके पास ये एक कंबाइन करने में हमें सिर्फ कोई 10-15 मिनट्स लगे हैं. बाकी हमने डिटेलिंग वगैरह ऐड करनी थी तो उसमें हमें थोड़ा सा और टाइम लगा लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर स्केलेटन तैयार करने में 10-15 मिनट्स लगे. तो आई डोंट थिंक दैट्स अ बैड टाइमिंग लेकिन आई होप कि आप लोगों को इस लेक्चर से काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. लेयर्स को किस तरीके से यूज़ करना है ब्रश टूल को किस तरीके से यूज़ करना है रेजर टूल को किस तरीके से यूज़ करना है स्पेशली सिलेक्शन टूल को वाइजली किस तरीके से यूज़ करना है एंड देर आर सो मेनी अदर टूल्स विच वी कैन यूज़ इन फोटो मैनिपुलेशन बट एट दिस स्टेज दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड. आप अब जाएँ अपने लैपटॉप पर बैठें और अपना टूल यूज़ करें अपना माउस उठाएँ अपना पेन उठाएँ व्हाटएवर यू वांटेड टू पिक अप. आप जल्दी से जाके ये इलस्ट्रेशन बनाएँ. I'm sorry I'm calling it illustration because for me it's like an illustration क्योंकि मैंने इसमें brush tool भी इस्तेमाल किया है उसमें मैंने photos भी use की हैं तो it's like a mixed media for me लेकिन it's really good. I really like how the feel is. Obviously we can spend more time on the hair part but due to this video time limitation मुझे जो है वो time ज़्यादा चाहिए hair को actually निकालने में लेकिन देख सकते हैं कि एक सूरज की किरणें आ रही हैं and she's going wow and then the dress is falling like a waterfall it's looking so beautiful. So inshallah next video mein aapke saath mulaqat hogi aur tab tak ke liye khuda hafiz. Video ko like karein subscribe karein like karenge to meri video recommendation mein jayegi aur dusre logon tak pahunchegi. So please like my video and I love you guys. Thank you so much. Allah hafiz. What do you want to say to my fans? Gabriel? What do you want to say to my fans?